नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। उधम सिंह नगर के खटीमा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां खटीमा के किलपुला रेंज के नजदीकी गांव अलाविर्दी की चार महिलाओं को जंगल में मवेशियों के लिए चारा काटने के दौरान हाथियों ने हमला कर दिया, जिसमें सभी महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं महिलाओं ने बमुश्किल भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं घायल चारों महिलाओं को वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर घायल भागा देवी और गोमती देवी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं दो महिलाओं सुमल और ज्योति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी हाथियों ने एक महिला पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं वन क्षेत्र में हाथियों और अन्य वन जीवों के आवागमन को देखते हुए वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ा दिया गया है। साथ ही वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और अनावश्यक वन क्षेत्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं घायल महिला गोमती की सास जुन्ना देवी ने बताया कि जंगल में हाथी ने हमला करके घायल कर दिया था, जिसमें बड़ी मुश्किल से उन्होंने भागकर जान बचाई। वहीं खटीमा वन विभाग के एसडीओ संतोष बन ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि जंगल में हाथी को देखने के बाद महिलाएं घबराकर दौड़ी और चोटिल हो गईं, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।